बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया ब्रो शॉट है। बेचारे कुत्ते को घेर लिया सबने। ये ओ मुंह फूट गया, विकेट आ गया, बहुत बढ़िया। यहाँ से चली जा, पानी वैसा ही आएगा जैसे तेरे को उस दिन मिला था। अरे यार मेरे को उसने बुलाया 9:30 बजे, अब क्या रहा है 10 बजे, 9:20 हो रहे हैं। चल रहा है ना तू, चल फिर आ जा। इतनी खतरनाक धूप है यहाँ पे, फिर फॉग तो हो ही नहीं सकती। नॉर्मल सी बात है, वो बड़ा सा व्हाइट व्हाइट पता है क्या है, बादल। यकीन नहीं होता तो जैकी से पूछ लो, जैकी बादल ना हो। जैकी ने बोला हाँ, तो चलते हैं अपन। बाय बाय। What's up everybody? Welcome to another blog. तो आज मैं जा रहा हूँ वापस से क्रिकेट मैच खेलने के लिए। पिछली बार जब मैं गया था ना, पता मेरे को बड़े मजे आए थे मैच खेलने में, और इस बार देखते कैसा मजा आएगा। वैसे मौसम पता बड़ा खतरनाक हो रखा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा धूप है, सर्दियां हैं यहाँ पे, लेकिन इस धूप में पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे सर्दियां हैं। मैं नीचे जाके पानी पी लेता हूँ, और यहीं से जाना है ना। रास्ता तो गायब भी हो रखा है यार, एक बार को पता ही नहीं चलेगा यहाँ से जाना कहाँ है। पता ये साफ हो सकता है अगर हम इसे करें तो एक दिन। हाँ वाह आ गया। पिछला वाला जो मैच हुआ था ना, वो था हमारे गांव में, और इस वाला मैच होने जा रहा है दूसरे वाले गांव में। गांव पता है यहाँ से कुछ ज्यादा दूर है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, शायद वहाँ पे या ऊपर वाले गांव में। और ये हम लोगों की टीम। हमारे गांव का ग्राउंड मस्त है, लेकिन जो दूसरे वाले गांव का ग्राउंड है ना, वो और भी बढ़िया है। वैसे पता मैंने अभी तक देखा तो नहीं है, लेकिन जब मैं जाऊंगा ना तभी पता चलेगा सिस्टम क्या वहाँ पे। लेकिन पहले यार तुम बादल देखो, एकदम पहाड़ों पे आ रखा वो। ये देखो लौंडे यहाँ पे हरकतें करते जाते हुए। और फोन फूट गया मेरा। अभी तक मेरे को लगा था पता है यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रिकेट ग्राउंड है, और उसके बाद मैंने अभी अभी सुना आज कि यहाँ पे पता है एक और क्रिकेट ग्राउंड है, लेकिन वो हमारे गांव में नहीं है, दूसरे वाले गांव में है। ये वाले बंदे शायद उसी वाले गांव में जा रहे हैं मैच के लिए, शायद कहीं ऊपर की साइड है ग्राउंड, सुना है मैंने इतना। ये उस वाले ग्राउंड का रास्ता है जहाँ पे हम पहले खेल रहे थे, और ये दूसरे वाले ग्राउंड का रास्ता है जहाँ हम अभी जा रहे हैं। बहुत तेज सनलाइट आ रही है, बहुत तेज सही में। अरे वाह भाई, वाकई में बहुत गहरा है गाँव जाने का रास्ता हो रहा। ये देखो कांटे दिख रहे हैं, मैंने इनके ऊपर पैर रख दिया। क्या चुहा है। मैं शूज पहन के आने वाला था, लेकिन पता मैं शूज पहन के आना भूल गया, मेरे अचानक ध्यान से हट गया कि मेरे को शूज भी पहनने हैं। कहाँ जाना है, क्या मैं इस वाले गांव में, और ग्राउंड कहाँ है? वो सारे वहाँ पे खड़े होके कर क्या रहे हैं? नहीं नहीं आ गए वापस, मैं जाने वाला था नहीं तो उधर। फाइनली मैं इस वाले गांव में आ गया जहाँ मैं आना चाहता था। ये मंदिर पता है वहाँ रोड से दिखाई दे रहा था, और अब ये मंदिर मेरे सामने है, और मेरे पूरे पैर गंदे हो चुके हैं, सीमेंट लग गया है। नहीं साफ है। ये हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। कहाँ है प्रियांशु ग्राउंड, दिखाई नहीं दे रहा। आगे वो रहा ग्राउंड, दिख तो बहुत छोटा रहा ये। अरे ये तो छोटा सा है यार प्रियांशु, ये तो बहुत छोटा है जहाँ पे हम खेल रहे थे उससे भी। बाउंड्रीज भी बहुत छोटी हैं, स्ट्रेट बहुत छोटा है, बस बैक साइड पता बहुत बड़ा है। यहाँ देख के लग रहा है बॉल भारी चली जाएगी। यहाँ से पहले नीचे तो चल लो, थोड़े मजे करके आते उधर। हिमांशु बॉल, मैं अपना बैग रख देता हूँ वहाँ पे, रख के आना पड़ेगा। लेकिन ये पिच पता है एक नंबर की लगी मुझे। यहाँ पे मिट्टी है, थोड़े बहुत पत्थर है यहाँ पे पता है, बॉल कभी भी उछल के आ जाएगी। चलो कम से कम यहाँ पे तो ठीक है, बैग रखते हैं यहाँ पे, इसके अंदर मेरा ट्राइपॉड है जिसे मैं यूज नहीं कर रहा, और बंदे वेट कर रहे हैं दूसरे बंदों का। इन लोगों के पास पता है बॉल थी, लेकिन इन लोगों ने खो दी। बैट उठाते हैं, चलते हैं आगे। अब सामने देखो ग्राउंड कितना बड़ा है, यहाँ पे खेत जो है ना बहुत पास पास है, इसीलिए बॉल खोने का खतरा नहीं इतना। क्रिस्ट बल्लेबाज है अपने जमाने के, बॉलर आते हुए यहाँ पर पाकिस्तानी। ये ओ मुंह फूट गया। और यहाँ पर पता है गेम स्टार्ट होने से पहले मेरा सीन हो गया, मेरे पता है यहाँ मुंह पे आके लगी बॉल। ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा क्या लगा है सही में। एक्चुअली मेरे साथ हुआ ये था, मैं पता पीछे कीपरिंग कर रहा था, लेकिन मेरे एक हाथ में बैट था और बॉल आई, बंदे ने बॉल डाली, बॉल आराम से धीरे धीरे आई, मैंने उसे रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो पता थोड़ी सी मिस हो गई, सीधा यहाँ पे आके लगी पटाक। एक शॉट खेलते हैं। आज देख के लग रहा है यहाँ पे कितने सारे बंदे आए हैं, और ये बंदे पता है बहुत लेट आए हैं, इतनी देर में एक मैच हो चुका होता। ये कुत्ता घूम रहा था, आके बैठा मेरे पास। A few moments later. बेचारे कुत्ते को घेर लिया सबने। हिमांशु खेल रहा हूँ मैं, नहीं अब क्या करूँ फिर यहाँ पे, मैं घर जा रहा हूँ। जीत के अगला मैच खेलते नहीं यार तुम, एक ही खेलते हो तुम। यहाँ पर पता मैं इतनी मेहनत करके आया, कम से कम 4-5 किलोमीटर चला, और जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा सुनने में क्या आता है, ये बंदे मेरे को खिला ही नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पता है इन लोगों ने मुझे क्यों नहीं खिलाया,
यहाँ पे हो रहा है 12वीं क्लास तक के बच्चों का मैच हुआ, क्या हिसाब किताब है। जबकि पता है मैच किस तरीके से होता है, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, 12th में वो भी हो सकता है जो 20 का है, जो 22 का है, अब कौन बताए। लेकिन यहाँ पर मैच चल रहा है और अपनी टीम खेल रही है, वहाँ पे हिमांशु है, यहाँ पर एक और बंदा है। वैसे भी मैंने पता हिमांशु से पूछा था मेरे को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, उसने बोला अगर ये वाला मैच जीते तो शायद हम लोग खेल लें, लेकिन जीतने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं खिलाएगा जहां तक मुझे लगता है। यहां पर बॉलर पता लगातार वाइड पे वाइड फेंका जा रहा है और बैट्समैन पता है फ्रस्ट्रेट हो चुका है इतनी देर से, बॉलर आ गया फिर बॉल डालने के लिए। ओ यॉर्कर, मैं तब व्लॉग बनाने वाला था जब मैं बैटिंग करता, जब मैं बॉलिंग करता, लेकिन यहां पता है दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है। आज जब मैं नहीं खेल रहा ना तो इन बंदों ने रखा 8 ओवर का मैच। बहुत बढ़िया शॉट, कवर ड्राइव, बहुत बढ़िया ब्रो, शॉट है, शॉट है, नीचे चलते हैं। बढ़िया हिमांशु, अरे यार रुक गई पत्थरों में, बढ़िया शॉट है यार, फंस गया। चलो बढ़िया, फील्डर नहीं है कोई, नीचे वहां चली गई, बाउंस हो गए। यहाँ पता है मैच एक नंबर का चल रहा है, अपनी टीम बहुत मस्त खेल रही है, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, मैं यहाँ पे बैठ के यार मैच देख रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को खेलना चाहिए था वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। एटलीस्ट कम से कम पता है मैंने इस वाले गांव का कम से कम ग्राउंड तो देखा, क्योंकि मेरे को पता नहीं था यहाँ पर एक और ग्राउंड भी है। पता पिच यहाँ से देखने में थोड़ी सी बड़ी लग रही है और बॉल पता बंदों की पूरी आ भी नहीं पा रही है जगह पे। लेकिन तुम पिच देखो यार कितनी लंबी है ना, काफी लंबी। बढ़िया शॉट, फंस गया। अरे कोई है ही नहीं यहाँ पे, ये रही। बढ़िया हिमांशु, ये आएगा एक और शॉट, बढ़िया पुल पे, दो पुल पे खाओ, पुल पे खाओ, कितने पुल मार दिए बंदे ने यहाँ पे। बढ़िया ब्रोश, ओ कैच कर ली कीपर ने। 8 ओवर का मैच है, 7 ओवर हो चुके हैं, लास्ट ओवर चल रहा है, करीब 45 या 50 के करीब शायद हम लोगों को रहना है। 3 बैट्समैन जा चुके हैं, ओपनिंग पार्टनरशिप खत्म, तीसरे नंबर पे आया वो भी गया, अब एक बंदा आ रखा है, एक बंदा ऑलरेडी रनिंग पे है, एक ओवर बचा हुआ है और अब हमें मानने पड़ेंगे थोड़े शॉट तेज और चाहिए कुछ ज्यादा रन, वो भी 6 बॉलों में। यहाँ पर बंदे ने पहली बॉल मिस कर दिया, शॉट बढ़िया, 2 आएंगे, 2 रन आएंगे, 2 रन ना, रन दे रन दे यार, ओ आ गया आ गया आ गया यार, ओ आ गया आ गया आ गया, खांसी हो गई मुझे, मिस कर दिया बंदे ने। एक और आ गया, अरे एक और, बच गया वहां पे, एक और आ गया, अरे भाग ले। कितना टाइम लगा रहे हैं रनिंग करने में, एक और आ गया, अरे आ जा, ओए बंदे देखियो क्या कर रहे हैं, बढ़िया ओवर थ्रो के रन आ गए बहुत सारे, ये कूल था सही में। अब लास्ट बॉल बची हुई है, ओ मिस कर दी, स्टंपिंग भी हो गई, बंदा गया, कीपरिंग एक नंबर की थी वाकई में। हम लोगों ने टारगेट दिया पता कितने रन का, वो भी सिर्फ 50 8 ओवर में, वैसे 8 ओवर में 50 ठीक है, लेकिन कम से कम 80 तो होने चाहिए थे या 70। अब बॉलिंग बढ़िया हुई ना तो हम लोग जीत जाएंगे, फिर देखते हैं मैं खेलता हूँ या नहीं खेलता हूँ अगले मैच में। बढ़िया हिमांशु, बहुत बढ़िया, ओ क्या बाउंस हुई बॉल, बंदे का थोड़ा रुक के आता है एक्शन और बॉल भी यहाँ पर रुक के आ जाते हैं, फिर बढ़िया कैच है, ओ विकेट आ गया, बहुत बढ़िया हिमांशु, एक और आएगा, ओ शॉट यार, बॉल रुक के आई, शॉट पड़ा रुक के और शॉट गया बहुत दूर, कुछ ज्यादा ही दूर चला गया, कम ऑन यार, कैच, फील्डर ही नहीं है वहां कोई, अरे यार वहां तो फील्डर लगाना चाहिए। ये बंदा बढ़िया बॉलिंग करता है, लेफ्ट आर्म है ना इसीलिए, बहुत बढ़िया बॉलिंग, शॉट यार, नीचे आ गए हिमांशु तेरे हाथों पे, अरे ओवर थ्रो हो गया यार, ओ हिमांशु क्रिस वोक्स की तरह क्यों डाल रहा है फिर से वैसी, ओ क्या ऐसे पिटा यार, इससे पहले छक्का पड़ा सिंगल, उससे पहले एक चौका। यहाँ पर हिमांशु की टीम मैच हारते हुए बैड कैप्टनशिप की वजह से, और 8 ओवर में जो हमने 50 रन का टारगेट दिया था ना और उसकी वजह से, अगर 8 ओवर में हम लोग कम से कम 80 रन भी बना देते ना काम बन जाता, और उसके साथ अच्छी कैप्टनशिप हो जाती ना तो काम बन जाता पूरी तरीके से। अब बस इन्हें एक दो शॉट चाहिए बस अच्छे वाले शॉट, एक तो आ गया चौका, एरी। सही में जब से मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना हर बंदे ने पुल शॉट मारे, बॉल तो है रबड़ की ऊपर आते उठ के वो भी धीरे स्पीड में, और सारे के सारे मारते फिर पुल और हुक, चौका एज लगते हुए, टर्नोगी
अब इन लोगों को चाहिए जीतने के लिए सिर्फ 6 रन। ये बंदे पता है सारे के सारे खेलते मस्त है, बॉलिंग भी ठीक ठाक है, बैटिंग भी अच्छी है, लेकिन यार कैसे बंदे को कैसे भेजना है इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। चलो कमाल हो गया, मैच ही खत्म हो गया, यहाँ पे हार गए। चलेंगे हार गए हम नहीं, हिमांशु लोग। मैं भी खेल रहा था। तू खेल रहा था, फील्डिंग तो कर रहा था तुम वहाँ पे। देखो देख रहे ना, जानवर बहुत देखते मुझे। हाँ ये बकरे कहाँ पे चढ़े हुए हैं, ये वाला भी यही देख रहा है मेरी तरफ। पहले नीचे देखते कोई है यहाँ पे। दादा आप हो यहाँ पे? कुछ नहीं। हाँ दादा, ओ हम आ गए जल्दी। पता है टोटल मैं करीब चला हूँ 10 किलोमीटर। जैसे मैं वहाँ पहुंचा बंदों ने मेरे को खिलाया नहीं, और उसके बाद जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे ना घर, प्रियांशु यहाँ पे बैठा हुआ है, प्रियांशु मेरे को बोलने लगा मेरे को मंदिर में जाना है। वो भी पता है सिर्फ किस लिए? एक कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। फिर उसके बाद सीन ये हुआ मैं मंदिर में चला जाता, लेकिन मेरी किस्मत थोड़ी बहुत ठीक थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे, कैश नहीं था कहने का मतलब। मेरे पास फोन पे में तो थे, लेकिन वहां मंदिर में ना गूगल पे फोन पे ये सब चलता नहीं है। और सही में पता है फिर मैं इतना लंबा चल जाता ना, जितना लंबा पता है मैं अभी तक कभी नहीं चला, वो भी गाँव में। फिर उसके बाद पता है हम सीधा वहां से नीचे आ गए, लेकिन अगर मेरे पास कैश होता तो मेरे को पता है ऊपर जाना पड़ता।